और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एटा से आ रही बड़ी खबर से। एटा में दबंगों का कहर देखने को मिला है। फौजी के घर पर दबंगों ने पथराव किया है और पथराव में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। दबंग फौजी से ये लोग शराब की बोतल मांग रहे थे और फौजी की बोतल ना देने पर उसके साथ में मारपीट की गई है। पीड़ित फौजी असम राइफल में तैनात है और पुलिस के पहुंचते ही आरोपी वहां से फरार हो गए। गुंडे फौजी के परिवार को धमकी देने लगा था और थाना रिजोर क्षेत्र के निधौली खुर्द गांव का मामला बताया जा रहा है। तो एटा में दबंगों का कहर देखने को मिला है। फौजी के घर पर पथराव किया है, पथराव में दो लोग घायल हुए। फौजी के साथ में भी मारपीट की गई है और महज इसलिए क्योंकि दबंग फौजी से शराब मांग रहे थे और शराब नहीं देने पर फौजी के साथ में मारपीट की गई है। असम राइफल में फिलहाल तैनात है पीड़ित फौजी और पुलिस के पहुंचते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। गुंडे लगातार अभी भी फौजी के घर वालों को, परिवार वालों को धमकी दे रहे हैं। और एटा से हमारे संवाददाता राधा वल्लभ द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राधा वल्लभ, एक फौजी के साथ में मारपीट की गई है और बताया ये जा रहा कि महज विवाद इस बात को लेकर शुरू हुआ कि दबंगों के द्वारा फौजी से शराब मांगी गई थी और मना करने पर फौजी की पिटाई की गई है। जी धीरज, आपको बताना चाहूंगा ये एटा के थाना रिजोर क्षेत्र के निधौली खुर्द गांव का मामला है जहां पर एक फौजी असम राइफल में तैनात है। होली वाले दिन कल शाम को आकर के जबरदस्ती उनसे कुछ लोग दबंग लोग आए गांव के ही और उन्होंने शराब की बोतल मांगी उनसे, जिन्होंने फौजी ने मना कर दिया कि ना मैं शराब पीता हूं ना मैं पिला सकता हूं। उसी को लेकर के ये जो दबंग थे ये धमकी देकर के चले गए और देर रात उसके घर पे लगभग 20-25 से 30 लोग आकर के आदम के और हाथों में डंडे और लेकर के और जो है घर में उनके पथराव कर दिया, जिसमें दो लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिसमें एक पशु भी था, एक कुत्ता भी था, उसको भी ईंट लगी हुई है, वो भी जो है गंभीर घायल हुआ है। इसमें दो लोग उनके पिता और भाई उनके सौदान सिंह ये भी घायल हुए हैं। एक बड़ी बात यह है कि इस तरीके से हौसले बुलंद हैं दबंगों के, गुंडों के, जिसमें एक शैलेंद्र नामक व्यक्ति है, उपेंद्र, अश्लेंद्र यादव, ये जो है सब गुंडे दबंग टाइप के लोग हैं। पूरा गांव यादवों का गांव बताया जा रहा है, जिसमें 2-3-4 परिवार जो बघेल समाज के हैं जिनमें से फौजी का जो परिवार था और उनको जान से मारने की अभी भी बता रहे हैं कि अगर कोई कार्रवाई की पुलिस में तो जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। अभी फौजी जो है पीड़ित फौजी ने कई बार जो है इस बात की आशंका जताई है कहीं मेरे साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए, और अभी तक जैसे ही पुलिस को सूचना दी थी पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस को देख करके आरोपी फरार हो गए हैं, बाकी अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है इसमें और जो है कार्रवाई की मांग कर रहा है लगातार। जी धीरेन्द्र वल्लभ, जो जो फौजी है उनके जाने वाले ही ये लोग थे या फिर कोई ऐसे ही लोग थे दबंग टाइप के थे इनके घर पहुंचे और उनसे शराब मांगने लगे? पहचान अभी तक सभी की हो पाई है? जैसा कि आपने बताया कि 20 से 25 लोगों ने धावा बोला था। जी फौजी का बताना है कि गांव के ही लोग हैं, दबंग लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं और ये बघेल समाज है इनका, जो बघेल जाति के लोग हैं फौजी का जो परिवार है, और ये 2-3-4 घर ही है, बोलबाला यादवों का बोलबाला है उस गांव में, तो उसी को लेकर के जो है ये दबंग लोग थे और इसके फौजी के घर पर पहुंच गए, पहले इससे शराब की बोतल की मांग की, जबरन जो है उसने जब मना कर दिया कि मैं शराब पीता नहीं हूं, मैं पिलाता हूं, तो उसी को लेकर के आक्रोशित हो गए और धमकी देकर के चले गए। उसके देर रात में 25-30 लोगों ने हमसे उसके घर पर हमला बोल दिया लाठी डंडों से लैस होकर के, जिसमें बताया जा रहा है कि जो है दो लोग इसमें घायल हुए, इनके पिता को भी चोट लगी है, इनके भाई को भी चोट लगी है और एक पशु बेजुबान एक कुत्ता जो लेटा हुआ था उसको भी लगी है और बहुत पथराव किया गया था, तो उसमें अपने घर में बंद होकर के उन्होंने अपनी जान बचाई। फौजी का परिवार अभी भी दहशत में है और फौजी ने न्याय की मांग की है, अभी तक FIR नहीं हुई है उसकी, उसका पीड़ित फौजी का बताना है। बाकी पुलिस को सूचना दी गई थी, पुलिस और 112 नंबर और थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और जाकर के जब देखा तो वहां अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है आरोपियों की। जी जी राधा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।